दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे नाम का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि हमारे नाम से ही हमारे जीवन की रूपरेखा तैयार होती है और इसी रूपरेखा के आधार पर एक चित्रीकरण होता है जिससे कि हमारे जीवन की फिल्म तैयार होती है और इस फिल्म में कई कलाकार किरदार जुड़कर हमारे इस जिंदगी के सफर को सुहाना बना देते हैं। जिंदगी के इस यादगार सफर में कई लोग जुड़कर एक शानदार तरीके से इस सफर को सुहाना बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों को खूबसूरत अंदाज में पार करते हुए सभी के आंखों के तारे बन जाते हैं। आज हमारे साथ स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से एक ऐसे खिलाड़ी जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपने नाम को ही अपना लक्ष्य बनाकर अपने जीवन को अपने नाम से सार्थक कर दिया। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं भारत के शूटिंग दुनिया के युवा शूटर, ट्रैप शूटर, जिन्होंने के बहुत ही बेहतरीन काम किया है, लक्ष्य शरण जी। नमस्कार। नमस्कार सर। लक्ष्य जी, कैसे हैं आप इस बिल्कुल समय? अच्छे सर, आप कैसे हो? जी, हम सब यहाँ पर ठीक हैं। आशा करते हैं कि आप भी अपने परिवार के साथ वहां पर इस संकट के समय में, जबकि पूरा विश्व जूझ रहा है, सुरक्षित जी होंगे, सर, सेफ होंगे, अपने घर में होंगे जी सर, और थैंक हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। यू सर। तो लक्ष्य जी, हम आपसे आज इस ओलंपिक दिवस के शुभ अवसर पर, जहां पर पूरा विश्व आज ओलंपिक दिवस मना रहा है, हम खेल जगत से जुड़े हुए हैं और हमारा यह सौभाग्य है कि आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपके जीवन की जो कहानी है, इस युवा अवस्था में जो कुछ आपने पाया है, जो कुछ आपने देखा है, जो कुछ आप देख रहे हैं और आने वाले समय में आप भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे, उन सब के बारे में आपके साथ आपकी ही जुबानी चर्चा करेंगे, बात करेंगे और आपसे ही जानेंगे स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से। तो लक्ष्य जी, हम सबसे पहले आपसे आपके बचपन और आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। जी, मेरा बचपन, मैं हरियाणा जींद से हूँ, तो जी जॉइंट फैमिली में रहा हूँ मैं हमेशा से ही। जॉइंट फैमिली है हमारी, तो जी बचपन से स्कूलिंग भी मेरी जींद से ही हुई है और जी मतलब अच्छा गया है बचपन मेरा। जी 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 और आपका परिवार, आपके परिवार के लोग? परिवार मतलब जॉइंट फैमिली है, दादा हैं, दादी हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, चाची, कजन जी जी वगैरह जी सभी इकट्ठे रहते हैं। जी 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 और लक्ष्य जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप आपके बचपन में पढ़ाई और खेल कूद दोनों में किस तरह से समतोल होता था? पढ़ाई पढ़ाई तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा मतलब एवरेज था मैं, ना ज्यादा टॉपर ना ज्यादा, जी, तो जी मेरे को बचपन से इंटरेस्ट था कि शूटिंग कर लो, शूटिंग कर लो। तो मतलब होता है बचपन में कि मेरे को जी जी शूटिंग ही करनी है। जी एंड में तो टेंथ में लक्ष्य जी, आके, आपने तो बच जी एंड में टेंथ में आके जी घर वाले बोले आप शूटिंग करो। पढ़ाई साथ की साथ मतलब होती रहेगी आपकी। आपने बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे आगे जाकर शूटिंग की तरफ रुख करना है और इस जी खेल को खेलना है बचपन जी से ही। हाँ जी जी, तो लक्ष्य जी, आपके परिवार का सपोर्ट, आपके पिताजी का रोल किस प्रकार से रहा है शूटिंग में आपके प्रवेश को लेकर? मेन तो घर में दादाजी है मेरे, तो जी दादाजी ने जो बोल दिया वो फाइनल है। तो मैंने दादाजी को जी बुला जी लिया, दादाजी ऐसे ऐसे गेम जी करना है। मैंने, दादाजी बोले करो, जो मन कर रहा है वो करो। उनके आगे तो कोई नहीं बोल सकता फिर। तो दादा और पोते का जो जोड़ था मजबूत, उसमें आपने अपने पिताजी और घर वालों को मना लिया। हाँ जी, और जैसे जितने भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ, तो दादाजी जी बोले कि छोटा है सबसे, कोई बर्डन मत डालो इसके ऊपर, जो इसको पसंद है वो करने दो। जी जी और लक्ष्य जी, शुरुआती समय में किस प्रकार से आपकी जो प्रैक्टिस होती थी, जो अभ्यास होता था, वो किस प्रकार से जी, होता था? प्रैक्टिस तो दिल्ली में ही की है मैंने। स्टार्टिंग मैंने 10 मीटर जी से की है, 10 मीटर जो पिस्टल जी थी उससे की थी मैंने। जी देन दिल्ली में आके जी मैंने गेम चेंज कर लिया, अच्छा तो अच्छा हरियाणा अच्छा स्टेट से पहले ही किया था मैंने चेंज। जी जी जी
10 मीटर पिस्टल से आपने ट्रैप शूटिंग की तरफ रुख किया, मतलब अपने मतलब क्या आपके मन में क्या चल रहा था उस समय इस परिवर्तन को लेकर? मेरे को ये था कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव गेम है मेरा, शॉटगन है, थोड़ा सा आवाज ज्यादा करती है, इंटरेस्टिंग है, क्ले टारगेट उड़ता है, उसको हवा में शूट करते हैं, तो थोड़ा अट्रैक्ट किया उस गेम ने मुझे। जी, उड़ते हुए टारगेट को शूट करना उतना आसान होता नहीं, बहुत मुश्किल होता है। जी लक्ष्य जी, यदि हम कहें भारत में क्रिकेट को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है अन्य खेलों की तुलना में, सभी बच्चे शुरुआती समय से क्रिकेट की तरफ रुख करते हैं, लेकिन क्या ऐसी सोच, क्या ऐसा दिमाग में चल रहा था कि शूटिंग की तरफ आपने अपना लक्ष्य किया? मैंने बचपन से ही मतलब गन्स के साथ खेला हूँ, मैं एयर गन ले आया, कभी बीबी गन ले आया, तो पापा कहते थे इसको शूटिंग ही करवा देंगे, तो जी 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 थोड़ा सा पापा बोले थे कि अभी मत कर, थोड़ा सा स्टडी कर ले, पहले 12th हो जाए उसके बाद कर लेना। तो मैंने बोला पापा जी, 10th जी, में ठीक है, सही एज है 10th जी, की, जी, आराम से स्टार्ट कर जी, लेंगे, तो दादा बोले आराम से कराओ इसको। जी 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 तो शुरुआती प्रैक्टिस आपकी काफी अच्छी रही। लक्ष्य जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपने जो घरेलू प्रतियोगिताओं की शुरुआत होती है वह किस प्रकार से की? घरेलू कैसे? मतलब स्कूली कंपटीशन हो गई, स्कूली स्टेट लेवल कंपटीशन की नहीं हुआ था कंपटीशन मेरा, हो गई? स्टेट स्टेट से या स्टार्ट किया जी था मैंने। हाँ जी, आपने स्टेट से स्टार्ट किया था, तो जी, किस प्रकार से अलग अलग स्टेट्स कंपटीशन में आपने भाग लिया? पहले हरियाणा स्टेट हुआ था, एक्चुअली मैं जी पिस्टल का स्टेट खेलने के लिए गया था दिल्ली में। तो जी दो चार दिन पहले मैंने गेम चेंज किया, शॉटगन पे ही शिफ्ट हुआ मैं। पापा कहते हैं अभी तो पिस्टल की प्रैक्टिस की है 2 महीने, अब एकदम से शॉटगन की प्रैक्टिस करोगे? मैं कहता अब तो देखा जाएगा जो होगा, अब तो शॉटगन ही करना जी है जी मुझे। जी 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 तो और उसमें वो जो आपका जोनल कंपटीशन था शुरुआती समय में, वो किस प्रकार से? स्टेट नॉर्थ कंपटीशन जोन था, का? नॉर्थ जोन जी स्टेट के बाद हुआ था, स्टेट मावलंकर नॉर्थ जोन फिर नेशनल, ये ऐसे हुआ था। तो जी जी स्टेट में अच्छा किया था मैंने, मावलंकर में भी जी जी गोल्ड था मेरा, नॉर्थ जोन में सिल्वर था मेरा, देन नेशनल में गोल्ड था मेरा। जी 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 लक्ष्य जी, हम वही जानना चाहते हैं कि आपने स्टेट में काफी अच्छा करते हुए नेशनल में प्रवेश किया, तो नेशनल लेवल पर जाकर जब दूसरे खिलाड़ी आपके साथ कंपटीशन में उतरते हैं, तब उस समय क्या कुछ माहौल होता है? मैंने जब पहला नेशनल चलाया ना, मेरे को इसका जी पता ही नहीं था कि कैसा जी प्रेशर होता है, कैसे हैंडल करना होता है प्रेशर। मैं तो बस जी पापा ने बोला था, पापा जैसे स्पोर्ट्समैन है मेरे, पापा बोले कि जी आराम जी से जी चला, टेंशन ही मत ले, जो होगा देखा जाएगा। जी 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 तो मैं बोला ठीक है पापा, मैं जी आराम से चलाऊंगा। आपने कहा कि आपके पापा स्पोर्ट्समैन थे, कौन सा खेल खेलते थे वो? कुश्ती करते थे पापा, रेसलिंग। जी, रेसलिंग खेलते थे, रेसलिंग खेलते थे, हरियाणा से काफी रेसलर्स हैं विश्व पटल पर, तो आपने रेसलिंग के बारे में क्यों नहीं सोचा? पापा ने ट्राई किया था स्टार्टिंग में थोड़ा सा कि रेसलिंग की तरफ इसको करें, कि फिजिकल करो ये करो, पापा शूटिंग ही करनी है, मेरा जी जी फोकस जी ही जी शूटिंग जी पे जी था। जी आपका लक्ष्य पूरी तरह से शूटिंग पर ही था यदि हम कहें, तो जी बिल्कुल दिल दिमाग में आपका जिस प्रकार से चल रहा था, आपने शूटिंग के माध्यम से, अपने गन के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में निशाना साधा है। और यदि हम कहें आपके प्रतियोगिताओं के बारे में, तब एक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई थी 2019 में, आपने 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और एक कांस्य पदक जीता था, तो काफी सारे पदक एक ही इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, किस प्रकार से था वो? सर वो मतलब ट्रैप करता हूँ मैं, तो डबल ट्रैप भी खेलना जी पड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्कीट भी खेलना पड़ा, मिक्स टीम था वो जी भी खेलने पड़े, सारे खेलने पड़े थे। जी तो उसमें जी थोड़ा जी सा फोकस ज्यादा हो गया, तो वो कहते हैं ना लक होता है, दिन होता है, जी 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 उसे जी कहता थोड़ा मेहनत करो थोड़ा लक है। जी जी जी
और यदि हम भारतीय अलग अलग स्टेट्स में नेशनल लेवल जिस प्रकार से आपने पुणे में जाकर वह प्रतियोगिता खेली थी वीके शॉटगन प्रतियोगिता, उसके बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में सर अच्छा ही थी, वो भी एक्सपीरियंस मिला मुझे, अच्छा था। थोड़ा सा स्कोर कम था मेरा, बट ठीक था वो कंपटीशन, अच्छा जी था, जी जी टफ कंपटीशन था जी वो। जी 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 लक्ष्य जी, आपने नेशनल लेवल्स पर काफी पदक जीते हैं। यदि हम बात कहें अब इंटरनेशनल पदार्पण की, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आपका किस प्रकार से पदार्पण हुआ? फर्स्ट टाइम जब मैं इंटरनेशनल खेलने गया तो थोड़ा सा अंदर से नर्वस था मैं कि फर्स्ट जी कंपटीशन है, कैसा होगा, ये होगा। कंपटीशन तो थोड़ा सा खराब हो गया था वो, बट सीखने को बहुत जी कुछ मिला मुझे। जी 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 और लक्ष्य जी, आपने काफी दौरे किए हैं, जैसे हम कहें आपने जर्मनी का दौरा किया है, आपने फिनलैंड का दौरा किया है, आपने रशिया का दौरा किया है, तो इन सब दौरों पर किस प्रकार से आपने अपने हुनर को तराशा है? प्रैक्टिस करने से तो देखो सर होता ही अच्छा, जितनी जी जी प्रैक्टिस जी करोगे आप उतना ही थोड़ा सा टफ कंपटीशन खेल पाओगे। तो प्रैक्टिस जी जी करते जी टाइम हो जाता, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ ये सब। जी जी तो जी मेन तो इंडियन टीम सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं, उनमें जी सेलेक्ट होना पड़ता है टॉप 3 में, तब इंटरनेशनल खेल जी सकते हैं। तो जी जी मेन तो जी फोकस उनका होता है सर कि पहले टीम में आओ, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए प्रिपरेशन करो। वर्ल्ड कप्स हैं, शॉटगन कप होते हैं, ग्रोपरीज होती हैं, उनके लिए प्रिपेयर करो। जी 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 लक्ष्य जी, आपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, लेकिन यदि हम कहें फिर एक बार पिछले दौर में पहुंच जाएं, 2017 की जिस प्रकार से आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की यदि हम बात करें 2017 की, तब वो किस प्रकार से रहा आपके लिए? सर कंपटीशन तो ज्यादा होते हैं वर्ल्ड कप्स में, जी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जी में, बट जिस जी दिन थोड़ा सा फोकस होता है मेन तो शूटिंग में, जिस दिन अच्छा फोकस हो गया उस दिन हो जाएगा अच्छा। कई बार होता जी है जी जी फोकस टूटने लग जाता है, ब्रेक हो जाता है फोकस, थोड़ा सा कमी आती है किसी चीज में, फोकस टूट जाता है, नहीं कर पाते अच्छे से, तैयारी नहीं हो पाती, वेदर कंडीशंस होती हैं, उनमें खेलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जी लक्ष्य जी, अभी आपने बात की फोकस की, तो जिस प्रकार से आप ट्रैप शूटिंग करते हैं इसमें फोकस कंसंट्रेशन की काफी आवश्यकता होती है, तो इसके लिए आप क्या अभ्यास करते हैं फोकस के लिए, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में करने के लिए? फर्स्ट तो मेडिटेशन ही होता है सर इसका, जी देन अगर मेडिटेशन को अगर मेंटेन करके रखना है तो मैं गाने सुनता हूँ, जी और कुछ ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाती है सर उससे। जी 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 मेन तो गाने तो सुनना ये होता है सर कि फोकस ब्रीथिंग की टूटे ना, अभी ब्रेक आपने ना हो फोकस। बात की, तो हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। खिलाड़ियों के लिए योगा अब के समय में एक यदि हम कहें मुख्य हथियार हो गया है, तो किस जी प्रकार सर, से आप योग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं अभ्यास में? सर होता है मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं और ड्राई ट्रेनिंग जी होती है शूटिंग की, इन सब से, इन जी सब को अगर करोगे ना तब ही आप कंपटीशन लड़ पाओगे, जी जी मतलब जी कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रिपेयर हो जाओगे बिल्कुल अच्छे से, जी 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 और कॉन्फिडेंस तब आएगा सर जब और आप खुद बॉडी पे कंट्रोल कर पाओगे। जी 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 और इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक अच्छे कोच की आवश्यकता होती है, एक अच्छे जी सर, ट्रेनिंग सेंटर की आवश्यकता होती है, तो आप अपने जी सर, कोच और ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कुछ बताएं। सर मैं ट्रेनिंग करता हूँ दिल्ली डॉक्टर करणी सिंह यूनिट, उसमें शूटिंग रेंज में, जी जी और जी कोच जी है मेरे विक्रम चोपड़ा। ओके। हाँ जी, वो ट्रेनिंग देते हैं मुझे और और क्या बहुत टाइम टाइम करते हैं, टेबल जी टाइम टेबल भी वो खुद ही समय बताते हैं की सर। जी। और यदि यदि हम कहें तो उस टाइम टेबल के हिसाब से लगातार आप अभ्यास करते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। अब बात करते हैं हम आपके अंतर्राष्ट्रीय उस
सिल्वर मेडल की, जो कि 2018 में आपने एशियन गेम्स में जीता था, भारत को पदक दिलाया था, उसके बारे में, उस यात्रा के बारे में कुछ बताएं। सर वो थोड़ा सा टफ होता है, जो वो था मेरे लिए, क्योंकि रिसेंटली जो स्टॉक होता है गन का, मैंने वो चेंज किया था कॉम्पिटिशन से 10 दिन पहले। मैंने जो महीनों की ट्रेनिंग की थी वो अलग से की थी, और जो 10 दिन की ट्रेनिंग थी वो मेरी अलग से थी। तो मेरे कोच ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मतलब इतना सपोर्ट किया, इतना कॉन्फिडेंस दिलाया सर ने कि कहते सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, दिमाग नहीं चेंज हुआ, खेलना तो दिमाग से है, फोकस तो दिमाग से ही होगा, हो जाएगा आराम से। सर हो जाएगा तो कर लेंगे। तो इतना आसान बना दिया सर ने मेरे लिए गेम, इतना आसान बना दिया कि प्रेशर ही नहीं आया मेरे दिमाग पे। जी जी जी। और लक्ष्य जी, यदि हम कहें आजकल जिस प्रकार से आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होता है, भारतीय कोच के साथ साथ कई खिलाड़ी विदेशी कोच से भी ट्रेनिंग लेते हैं, तो क्या कुछ ऐसा आपके साथ चल रहा है इस समय विदेशी कोच का सहयोग आपके लिए? विदेशी कोच का सहयोग तो इतना नहीं ले पाया मैं। मेरे जो विक्रम सर हैं, विक्रम सिंह चोपड़ा, इंडिया के जूनियर चीफ कोच हैं वो। जी 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 जी, उन्होंने ही मेरे को ट्रेनिंग दी है, और मेरे को नहीं लगता शायद मेरे को कोई उसकी फॉरेन कोच की जरूरत होगी। जी जी सर, सर ने करवाया, इतना काफी है मेरे लिए। जी जी जी, विक्रम जी एक बहुत ही अच्छे कोच हैं, और उनके अंडर में कई सारे खिलाड़ी भारत के लिए अच्छा कर रहे हैं। और यदि हम बात कहें तो आप शूटिंग्स में हैं, भारत के कौन से ऐसे, यदि हम कहें फीमेल या मेल खिलाड़ी जो अन्य दूसरे हैं शूटिंग में, वो आपके पसंदीदा है? मानवजीत संधू। मानवजीत संधू। और जी मेन तो एक ही है सर, राज्यवर्धन सिंह राठौर ये भी हैं जी, बट जो जी, मेरे जी, इवेंट के हैं वो मानवजीत संधू हैं। जी जी, स्टार्टिंग से ही मेरे वो थे, जब स्टार्ट किया था ना मैंने, जी 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 जी, जब तब से ही वो है, जब मेरे को पता चला था कि ये है मानवजीत संधू जी, काफी अच्छे हैं नेचर वाइज भी वो। जी जी जी। और एक बात लक्ष्य जी, आपने भारत में कई प्रतियोगिताएं खेली हैं, विदेशों में कई प्रतियोगिताएं खेली हैं, यदि हम कहें भारत में खेलना और विदेशों में खेलना, क्या अंतर एक खिलाड़ी के लिए होता है? मेन तो सर वेदर का होता है इसमें, जो वेदर जी, जो जी, जी। इंडिया का अलग होता है वेदर, जर्मनी का अलग है, फिनलैंड का अलग है जी, तो जी, उसमें थोड़ा सा होता है सर इसमें कॉम्पिटिशन, उसमें बिल्कुल वेदर चेंज हो जाता है, जैसे ठंड में चलाने लगे गर्मी में चलाएंगे तो उस चीज से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। जी जी जी। वही मैं कह रहा था, क्योंकि भारत का मौसम जिस प्रकार से है, आप रशिया का मौसम देख लें, फिनलैंड का मौसम देख लें, काफी ठंड होती है इन देशों में, तो वहां पर किस प्रकार से, क्योंकि ठंड में खेलना उतना आसान होता नहीं, बहुत मुश्किल होता है, तो एडजस्ट किस प्रकार से करते हैं उस ठंड भरे मौसम में? सर एडजस्ट इसीलिए ही होता है, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कर लें और मेंटली एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा सा मोटा पहन के चलाएंगे तो अलग थोड़ा सा होता है, उसमें फील होता है कि मोटा पहनना हुआ है, अनकंफर्टेबल फील होता है, बट क्या कर सकते हैं सर। जी जी, वो तो सब कुछ सब लक्ष्य जी होता है वो तो। जी 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 जी, काफी मेहनत, काफी परिश्रम, और काफी यदि हम कहें शरीर के अंदर एक गर्माहट लेकर आते हैं, तब आप इतने बेहतरीन अंदाज में खेलते हैं। लक्ष्य जी, यदि हम कहें, बात कर रहे थे हम उस सिल्वर मेडल की जो कि आपने एशियन गेम्स में जीता था, जब मेडल आपको प्रदान किया जा रहा था, किस प्रकार से आपके दिल दिमाग में चल रहा था उस समय? अच्छा लग रहा था सर मुझे, घर वाले खुश थे मेरे, घर वाले बोल रहे थे कि फोन पे फोन किए जा रहे थे घर वाले, मैं उनसे तब कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया, तो अब बस घर वालों की खुशी देख के बहुत खुश हुआ मैं। जी जी जी, और अच्छा लगा मुझे कि मेडल आया। जी जी, और जब आप वहां से जीत कर आए भारत, तो भारत में किस प्रकार से आपका स्वागत, घर परिवार, अगल बगल के लोग, आपके चाहने वाले किस प्रकार से प्रेम आपको दिया उस जीत के बाद? बहुत खुश थे सभी लोग, बहुत ही ज्यादा खुश थे, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स,
सोसाइटी वाले सब भी बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत अच्छे से स्वागत किया उनका। जी। और इस समय लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है? सर अभी तो शूटिंग नहीं हो पा रही, बस फिजिकल हाँ एक्सरसाइज हो रही है अभी तो, ड्राई ट्रेनिंग जी भी जी नहीं जी कर सकते। जी जी और आपके आने वाले यदि हम प्रतियोगिताओं की बात कहें तो कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आपकी नजर में है इस समय? अभी तो सर नेशनल्स ही होंगे, अभी कोरोना जी की वजह से शायद पोस्टपोन हो जाए नेशनल्स, बट अभी तक तो नवंबर में ही है नेशनल्स। जी 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 बहुत सारे चाहने वाले आपको प्रेम भरे संदेश दे रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपसे पूछ रहे हैं कुछ सवाल। आपके यदि हम एक सवाल ये भी था कि आपके यदि किसे आप ज्यादा शूटिंग में आपके पसंदीदा खिलाड़ी वही आपसे पूछ रहे हैं, किसको आप अपना आइडल मानते हैं? मानवजीत संधू को ही मानता हूँ सर। मानवजीत संधू को ही? जी जी तो और बहुत सारे लोग आपको हेलो हाय कर रहे हैं और आपको सुरक्षित रहने के संदेश दे रहे हैं। और इस यदि हम कहें लक्ष्य जी, इस लॉकडाउन के दौरान इस कोरोना संकट काल में काफी खेल प्रभावित हुए हैं, तब आप खेल और खिलाड़ी को इस लॉकडाउन में किस प्रकार से देखते हैं? सर मुश्किल तो होती है देखो सभी को, जो भी स्पोर्ट्समैन है, लॉकडाउन की वजह से मुश्किल सभी को हुई है, बट जी उसमें जी जी मुश्किल घड़ी में अगर आप खुद को संभाल लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। जी जी और लक्ष्य जी, आपने व्यक्तिगत तौर पर ट्रैप शूटिंग खेली है, टीम के साथ खेली है, मिक्स में आपने खेला है, तो या अलग अलग स्टेज पर अलग अलग स्तर पर जब आप खेलते हैं तो किस प्रकार से मैनेज करते हैं अपने आप को? सर मैनेज तो मेन तो ब्रीदिंग कंट्रोल होता है सर, मैच मैच खेलते टाइम जी अपना जी पार्टनर है उसको बताओ कि क्या मिस्टेक की है, जी आपका पार्टनर हमें बताएगा कि क्या हुआ है, तो जी उसमें सर जी एडजस्ट जी करना जी पड़ता है उस चीज को लेके। जी जी और लक्ष्य जी, यदि हम कहें भारत में खेलो इंडिया जो कि खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जी मंच सर है, तो खेलो जी इंडिया के जी बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? खेलो इंडिया अच्छा है सर, इवेंट बहुत अच्छा करवाते हैं खेलो इंडिया के बारे में। मैं लास्ट ईयर खेलो इंडिया खेला था मैंने भी, उसमें मैं फोर्थ जी आया जी था, मैं जी अच्छा नहीं कर पाया था उसमें, बट बहुत अच्छा, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला सर उससे। जी 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 तो खेलो इंडिया जिस प्रकार से भारत में हो रहा है, कई खिलाड़ी खेल आने वाले समय में इस मंच के माध्यम से उभर कर निकल कर इस देश की सेवा करेंगे और अपने बेहतरीन अंदाज में अलग अलग खेलों में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। लक्ष्य जी, जिस प्रकार से आपने ट्रैप शूटिंग की है, अब तक कर रहे हैं, इस खेल को छोड़कर अन्य किस खेल में आपकी रुचि है? सर और तो किसी खेल में इंटरेस्ट है नहीं मेरा इतना बट जी। सब सब गेम खेल लेता हूँ मैं वैसे, एज ए जी। मस्ती में सब गेम खेल लेते हैं। हाँ जी। एक सवाल आया है दर्शक का कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? पसंदीदार फिल्म फिल्म तो सभी है सर कोई भी, मेरा फेवरेट एक्टर फिल्म संजय दत्त वगैरह है। फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? जी देखता हूँ सर। देखते हैं देखते हैं। जी। और जिस प्रकार से सभी आपको हाय बोल रहे हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपका पसंदीदा यदि हम कहें जगह, यदि वो कौन सा मैदान हो या कौन सा जो प्रदेश हो जो आपको काफी पसंद है? लक्ष्य शेवरॉन के साथ जुड़ने की और उनसे बातचीत करने की, अब तक हमने उनसे बातचीत की, चर्चा की और जाना है क्या कुछ चल रहा है। लक्ष्य जी थोड़ा सा जी सर संपर्क आपके साथ टूट गया जी था जी सर तकनीकी खराबी के कारण। जी सर लक्ष्य जी
हाँ जी सर, हमारी लक्ष्य जी कुछ तकनीकी खराबी के कारण आपका जी संपर्क कुछ समय के लिए टूट गया था। हमारी जी सर जी आवाज आ रही है हमारी? जी सर, आ रही है आवाज? जी 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 और इस समय कई लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कई लोग आपके साथ इस समय आपको देख रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। एक सवाल और था सर आपके चाहने जी वाले सर, का कि कौन सा वह क्रिकेट खिलाड़ी है जो आपको ज्यादा पसंद है? मेरा सर सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर। जी जी सर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सभी के जी चहेते सर हैं, सभी के प्यारे हैं और क्रिकेट के भगवान उन्हें कहा जाता है। जी सर और यदि हम कहें लक्ष्य जी जिस प्रकार से आपने अब तक प्रतियोगिताएं खेली हैं, आपका आने वाला लक्ष्य क्या होगा? सर ओलंपिक्स है मेन फोकस मेरा, जी 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 ओलंपिक्स में मेडल लेके आना मेरा मेन फोकस है। जी 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 आप इसी प्रकार से कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें, अभ्यास करते जी रहें और समय हो चुका है अब जिस प्रकार से हमारे तमाम सवाल जो कि आपके साथ हुए हरियाणा के हैं। आप यदि हम कहें हरियाणा की माटी की, तो कई सारे खिलाड़ी इस देश के लिए हरियाणा से आए जी हैं, सर चाहे आपके शूटिंग की बात कर लें मनु भाकर हैं, बॉक्सिंग में मनोज कुमार हैं और कई सारे खिलाड़ी हैं, रेसलिंग में कई सारे खिलाड़ी हैं। तो हरियाणा की माटी में ऐसा क्या है कि वहां से इतने शानदार सर खिलाड़ी देश के लिए आते मेहनत हैं? करते हैं सर, हरियाणा गवर्नमेंट जी बहुत जी देती जी है स्पोर्ट्समैन के लिए, बहुत ज्यादा जी करती जी है जी हरियाणा गवर्नमेंट, इसीलिए थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान ज्यादा है हरियाणा वालों का। जी 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 मेरा अगला सवाल वही था कि हरियाणा सरकार किस प्रकार से आप लोगों को प्रोत्साहित करती है खेल के प्रति, खिलाड़ियों को? बहुत सपोर्ट करती है सर हरियाणा गवर्नमेंट, जी 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 मुझे नहीं लगता जी जी कोई जी और स्टेट करती होगी इतना सपोर्ट। हरियाणा जी गवर्नमेंट जी जी ने मतलब मेरा ए ग्रेड जॉब कर दिया, जो कि शायद कोई जी स्टेट ना कर पाए, जी और प्लस प्राइज मनी दी थी मुझे। जी 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 तो लक्ष्य जी जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने आप लोगों के लिए बहुत कोशिश की, मेहनत की और आप सबको एक जी शानदार सर अंदाज में विश्व पटल पटल पर ले आए हैं, जी समय हो सर चुका है अब आपसे कुछ समय के लिए विदा लेने का। और इसी आशा के साथ कि आने वाला समय आपका शुभमय हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ भरा रहे और आप भारतीय तिरंगा जी सर लेकर बिल्कुल वही खूबसूरत अंदाज में पूरे विश्व के साथ जुड़े रहें, खड़े रहें और हम सबका नाम रोशन करते रहें। आपको आने वाले समय की अभी से शुभकामनाएं देता हुआ मैं करोड़ों भारतीयों के साथ, आपके चाहने वालों के साथ और हमारे तिरंगे की आन बान और शान आप पूरे विश्व में लहराते रहें, दिखाते रहें, अपने राज्य का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, हम सबका नाम रोशन करें। और इसी इसी कुछ यदि मैं कहूं पुष्प सुमन वाक्यों के साथ आपसे कुछ समय के लिए विदा लेता हूं। बहुत जल्द ही जी आपसे सर, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद सर।